अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अब्दुल रहमान और मैं आज आपके सामने अपने सैमसंग गैलेक्सी A12 की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको। तो ये बिल्कुल न्यू मोबाइल है, डब्बा पैक बॉक्स पैक है, आप देख सकते हैं। अभी तक इसको ओपन नहीं किया और मैं ये अब आपके सामने ओपन करूंगा। ये देखें, PTA अप्रूव्ड है, सील लगी हुई है, ये भी सील इंटैक्ट है। जब ये दो सील्स इंटैक्ट हों तो इसका मतलब ये डब्बा ओपन नहीं हुआ हुआ। ये है जनाब वेरिएंट, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रोम इसकी 128 GB स्टोरेज है, 4 GB रैम है और ब्लू कलर के अंदर ये मोबाइल है। तो आइए इसकी ओपनिंग करते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। असल में आपको पता है मेरी वाइफ गई हुई है मैक के, तो मुझे ख़ुद से ये ओपन करना पड़ेगा, तो मैं उसी के चैनल पे ये पोस्ट कर दूंगा ताकि वो भी इसको देख ले और आप लोग भी देख के बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। तो गाइस ये मैं ओपन करता हूँ। पहला कवर इसका हटा लिया गया है, ये वारंटी कार्ड निकला है इसके अंदर से। वारंटी कार्ड में क्या लिखा हुआ है, आजकल मैंने सुना वैसे सैमसंग जो है ऑफिशियल वारंटी ऑनलाइन ही दे रहा है, लेकिन इसमें से वारंटी कार्ड मिला है मुझे तो अच्छी बात है। ये जो है ज़हनी एक रिलैक्सेशन हो जाती है, ऑनलाइन वारंटी कितनी रिलैक्सेशन नहीं होती है। लेकिन इसमें डिटेल्स वगैरह गिवन नहीं है, जब आप वंस इसको जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो इसकी वारंटी स्टार्ट हो जाती है और तब से आगे 1 साल तक की वारंटी होती है। ठीक है गाइस, तो ये वारंटी कार्ड हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं बॉक्स की तरफ। बॉक्स को खोलने सील खोलने के लिए मैं ये नाइफ लेके आया हूँ, तो नाइफ से इंशाल्लाह इसको खोलेंगे। जी हाँ, तो गाइस असल में मेरा एक ही हाथ यूज़ में है, इसलिए मैंने ये नाइफ से खोल लिया। इस तरफ से भी सील खोल ली है आप देख सकते हैं, और इस साइड से भी मैंने ये नाइफ से ओपन कर लिए। तो अभी इंशाल्लाह इसको ओपन करने की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने हमें दी है। तो ये माशाल्लाह से सैमसंग गैलेक्सी A21 की ओपनिंग हो रही है। इसके अंदर सबसे पहले एक ये है बॉक्स है, इसके अंदर क्या है ये हम देखते हैं। IMEI नंबर के स्टिकर्स दिए गए हैं और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जनाब सैमसंग A12 आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, क्वाड्रिपल कैमरा, फिंगरप्रिंट है, और बैक साइड से अगर इसको दिखाया जाए, ये मैंने ब्लू कलर में लिया है जो एक्चुअली प्योर ब्लू कलर नहीं है, लिटल बिट सी ग्रीन टाइप है। तो अब ये देख लें जनाब, सैमसंग क्वाड ट्रिपल कैमरा इसके अंदर दिया, एक फ्लैश लाइट है। इस साइड से देखा जाए तो वॉल्यूम बटन है, पावर बटन है, और नीचे से टाइप सी चार्जर है, जैक की जगह है और स्पीकर है। तो इसको मैं इसका स्टिकर खोल लेता हूँ आपके सामने। तो गाइस इसमें फोकस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे इस मोबाइल में, इसका ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने हटा लिया है। माशाल्लाह से ये मोबाइल है, आप लोग देख सकते हैं। सेंटर में इसके जो है एक कैमरा दिया हुआ है, पिन होल कैमरा, और साइड से सिम की जगह है, डुअल सिम मोबाइल है इसके। आपके सामने इसको भी खोल के दिखाएँ, क्वाड ट्रिपल कैमरा है और ये वॉल्यूम और पावर बटन है। और इसको पावर बटन को ऑन करते हैं, पावर बटन के साथ ही मुझे लग रहा है कि फिंगरप्रिंट है, क्योंकि इसी तरीके से बनाए हुए फिंगरप्रिंट लग रहा है यहाँ पर। तो
तो इसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऑन करते हैं। जब तक ये ऑन होता है मैं आपको बाकी की एक्सेसरीज दिखाता हूँ। गाइस ये इसके अंदर बॉक्स के अंदर से एक अदद हैंड फ्री निकले, जो सैमसंग की ख़ास बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक हैंड फ्री दे रहा है और बहुत अच्छी बात है। मेजॉरिटी ऑफ मोबाइल्स ने हैंड फ्री देना बंद कर दिए। एक अदद चार्जिंग केबल दी है जो कि टाइप सी है, देख सकते हैं आप इसको, टाइप सी चार्जिंग केबल है। एक इसके साथ इन्होंने पिन दी हुई है सिम इंजेक्शन के लिए, और ये इसके साथ एक चार्जर है। चार्जर कितने वॉट का है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये जनाब चार्जर है 15 वॉट का। सो 15 वॉट का चार्जर अगर आप देखें तो 15 वॉट का चार्जर साथ में दिए सैमसंग का, तो इसमें सैमसंग को अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो एक 35 वाट तक के भी चार्जर आ रहे हैं। चलें गाइस इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, इसको बताता हूँ आगे और क्या है। और गाइस ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं इसके अंदर क्या है, ये भी इसको भी खोल लेते हैं। मे बी या जली केस लेकिन नहीं, इसके साथ गाइस जली केस नहीं है, सिर्फ सिंपल इसकी बुकलेट्स वगैरह हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखें सिंपल बुक्स हैं, बाकी अंदर से बिल्कुल खाली है। इसके अंदर गाइड वगैरह दी है, इसके साथ जाली केस नहीं मिला, वो आपको अपना पर्सनल परचेज करना पड़ेगा। तो मैं इन सबको सेट करता हूँ, अरेंज करता हूँ, फिर आपको एक फाइनल व्यू देता हूँ। जी गाइस तो कैमरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो गया है, मोबाइल ऑन हो चुका है, तो अभी हम इसके आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा तो सैमसंग ने इसके अंदर बिल्ट इन हमें कुछ ऐप्स दी हैं, जैसे कि यूट्यूब म्यूज़िक दिया, अगर आपका अपना चैनल है तो आप यहाँ से म्यूज़िक ले सकते हैं। नेटफ्लिक्स दिया हुआ है, फेसबुक दिया है, ये वो ऐप्स हैं जो आपको सैमसंग ऑलरेडी बिल्ट इन इसके अंदर इंस्टॉल करके दे रहा है। उसके अलावा हम इसकी मेमोरी चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये देखिए 128 GB की मेमोरी है, जिसमें से 22 GB ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है सैमसंग की तरफ से। तो आप देख लें कि इसके सॉफ्टवेयर ने और इंटरनल जो इनकी ऐप्स इन्होंने की हुई है उसके अंदर 22 GB ऑलरेडी स्टोर्ड है 128 GB में से, बाकी का हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका सॉफ्टवेयर भी देख लेते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर सैमसंग हमें प्रोवाइड कर रहा है इनिशियली। तो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में आगे जनाब ये हमें दे रहा है UI कोर वर्जन 3.1 एंड्रॉयड 11 है। तो एंड्रॉयड 11 के ऊपर ये मोबाइल आया है, 1 जून 2021 से का अपडेट हुआ है। आपके सामने इसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं जो आप लोग भी देख सकते हैं। एंड्रॉयड सिक्योरिटी लेवल आ रहा है 1 अगस्त 2021 का, तो खैर ये काफ़ी अच्छा है। एंड्रॉयड 11 वर्जन ये हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है जो अब तक का लेटेस्ट है, वो यही एक चल रहा है। तो अब हम इसके ज़रा कैमरे के रिजल्ट को टेस्ट करते हैं। कैमरा ऑन कर लिया इसका, तो गाइस कैमरे का रिज़ल्ट आपके सामने है। कैमरे का रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर लग रहा है। जी हाँ तो गाइस 48 MP इसका बैक कैमरा है, जो कि मेन कैमरा है, जिसके अंदर दो ऑप्शन है, एक एक्सटेंडेड ऑप्शन भी है, एक्सटेंडेड व्यू भी हम ले सकते हैं, और दूसरा हमारे पास इसका जूम व्यू भी आता है। 48 MP का कैमरा है बैक, और फ्रंट कैमरा है इसका जनाब 8 MP का, तो और HD वीडियो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, 30 FPS के ऊपर रिकॉर्ड होती है। 30 FPS पे 1020 और 2140 की सुपर HD वीडियो रिकॉर्ड इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो जनाब ये एक छोटा सा आपको मैंने वो दे दिया, इसकी मैं आपको साउंड सुना देता हूँ, आवाज़ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अच्छा बैक साइड इसकी जो प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये लाइनिंग लगी हुई है इसके पीछे, ये लाइनिंग हो सकता है वक्त के साथ साथ जो है, अगर आप सुन रहे हो ये देखें इसके ऊपर बिल्कुल ये लाइनिंग है बड़ी खूबसूरत सी, लेकिन ये है प्लास्टिक का। अब ये प्लास्टिक किस टाइप का है, अच्छा है बुरा है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर निशान आ जाएंगे वक्त के साथ साथ,
और तो बेहतर यह है कि इसका प्लास्टिक कोटिंग करा ली जाए ताकि निशान ना आए। ठीक है, कैमरा स्क्वाड ट्रिपल कैमरा है, बिल्कुल आपके सामने, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इसका मैंने फिंगरप्रिंट भी लगा लिया। फिंगरप्रिंट में सैमसंग के हमेशा थोड़ा डिले आता है, इसके अंदर एक लैग होता है, तो हम इसका फिंगरप्रिंट चेक करते हैं कि कितनी देर बाद खोलता है। तो जनाब सेंसर तो काफ़ी अच्छा है, सेंस फौरन कर रहे हैं, नहीं खुलने में फिर दोबारा थोड़ा सा टाइम लगाता है, आप देख सकते हैं कुछ मिली सेकेंड्स का ही टाइम लगता होगा, लेकिन सेंसिंग इसकी बहुत अच्छी है। जैसे ही मैं आपके सामने इसको टच करके अंगूठा साइड पर करता हूँ, ये फौरन से इसको सेंस करके ऑन करवा देता है। तो सेंसिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, डिले थोड़ा सा है, अभी भी सैमसंग इसके अंदर लैग कर रहा है, इसके डिले को इसको कवर करना चाहिए। अब मैं इसकी आखिरी चीज़ आपको वॉइस सुना देता हूँ, इसकी आवाज़ कैसी है साउंड के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि साउंड अच्छा होना चाहिए, तो देखते हैं। इसकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, जो सबसे, एक तो ये बेसिक बेल है जो सबसे ऊंची आवाज़ है, और दूसरी 80s फ़ोन वाली है, सबसे ऊंची आवाज़ 80s फ़ोन वाली होती है। ये देखिए काफ़ी हाई साउंड है, अगर आपको सो रहे होंगे तब भी ये साउंड आपको उठा देगी, ऐसी ज़बरदस्त आवाज़ है। बाकी ज़रा लाइट साउंड है, अगर आपको ज़रा लाइट वॉइस पसंद है कि एकदम से कान में ना लगे, तो आप इस तरीके की भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी थोड़ी क्रिटिकल ड्यूटी है या कोई एमरजेंसी ड्यूटी है या ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फ़ोन फ़ौरन पिक करना पड़ता है, तो आप ये मैं रेकमेंड करूँगा रखें, ताकि फ़ौरन आप उठ जाएंगे। तो मैं भी इंशाल्लाह यही साउंड रखूँगा, जो बहुत ही कानों के लिए जो है ना नॉइजी है, लेकिन यह है कि फ़ौरन क्योंकि उठना पड़ता है तो इसके अंदर हम फ़ौरन उठ जाएंगे। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले है, बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है। बाकी जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा तो फिर मुझे मज़ीद इसके बारे में पता लगेगा। ठीक है गाइस, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और कमेंट में लाजमी बताइए आपको कैसा लगा, ताकि नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि दूसरे मोबाइल्स की भी हम लोग ओपनिंग करें, आपके सामने अनबॉक्सिंग करें, तो वो लाजमी हमें बताइए, ताकि हम फिर अगले मोबाइल्स की भी ओपनिंग आपके सामने करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।